हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई, आज फाइनली मैं पैक कर रहा हूँ अपनी ड्रीम प्लेस के लिए भाई, लद्दाख। लद्दाख ना मैं मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहा था जाने की, एंड अब फाइनली जा रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं कि मैं लद्दाख क्या क्या लेकर जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है क्लोथ्स। क्लोथ्स में अपना वो है कि वहाँ पर विंटर टाइप क्लोथ्स और समर टाइप क्लोथ्स दोनों लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा, तो इसलिए दोनों लेकर जाने पड़ेंगे। मैं भी दोनों लेकर जा रहा हूँ। टी शर्ट्स वगैरह भी हैं, जीन्स है और थर्मल्स हैं ऑब्वियसली। हाँ, लेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेयरिंग होगी उतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे ठंड से। और मैं लद्दाख में ट्रैवल करने वाला हूँ बाइक से, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड जैकेट्स हो गया, और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लव्स हो गए, ठीक है। मैंने ग्लव्स लिए हैं, ग्लव्स ये रहे मेरे ग्लव्स, ठीक है। और कैप हो गई भाई, बहुत ज़रूरी है कैप तो, ठीक है। और अपना मफलर वफलर हो गए, ये सब हो गया, ठीक है। तो क्लोथ्स में तो यही सब है कि आप जितना कंफर्टेबल लग रहा उतना लेकर जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम भी, जो तगड़े बंदे हैं, ठीक है। एंड तो सेकेंड आता है अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्किन केयर। आई नो लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लड़के लोग इतना ध्यान नहीं देते, बट वही है, लद्दाख इतनी ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे और इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लड़के लोग ध्यान रखना। तो स्किन केयर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अपना सबसे पहले सनस्क्रीन, क्योंकि भाई धूप ना वहाँ सीधा मुँह पे पड़ती है, एक नंबर वाली, ठीक है। तो धूप से बचने के लिए हमें चाहिए सनस्क्रीन, एंड कोशिश करना 30 SPF होता है ना, वो 30 SPF से ऊपर वाली होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास जो है, मैंने ये पूरी स्किन केयर की देखो किट बनाई है अपनी, ठीक है। इसमें मैंने ये ली है न्यूट्रोजना की 50+ SPF वाली, ठीक है। और तो ये तो मतलब इशेंशियल्स है, ये तो वहाँ पर ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर सही में। तो ये था कुछ स्किन केयर के बारे में। थर्ड इज़ योर मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीरियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थर्ड, वो है अपना मेडिकेशन। भाई अब लद्दाख ऐसी जगह है, वहाँ पे हर चीज़ आपको एकदम से नहीं मिल सकती, तो अपने लिए मेडिकेशन लेकर ही जाएं। सबसे पहली चीज़ मेरे को वही लग रहा था कि भाई वहाँ पे सांस की दिक्कत होती है, सब कुछ होता है, तो भाई उसके लिए मैंने अपने फिजिशियन से कंसल्ट किया, तो उसने मेरे को डायमॉक्स रिकमेंड करी, वो मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको अपनी मेडिकल किट भी दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ बनाई है मैंने पन्नी वन्नी में जुगाड़ करके, ठीक है। तो इसमें आता है अपना गर्म पट्टी है मेरे पास, नॉर्मल पट्टी है, ठीक है, और बैंडेज है, बेटाडीन है, क्योंकि बाइक वाइक से गिर विर गए तो अपने आप ही कर लेंगे पट्टी, अपने खुद के डॉक्टर हैं, ठीक है। और आयोडेक्स वगैरह जो होता है, ठीक है। तो ये मतलब मेडिकल किट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी ग्रामीण है तो ग्रामीण तरीका भी बता देते हैं आपको, कि जिनको मोशन सिकनेस होती है ना, वो भाई अपना ना नींबू और काला नमक ज़रूर लेकर जाएं, वो बहुत सही रहता है वहाँ पर। एंड उसके अलावा दूसरा है ये भाई कैम्फर, कपूर बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब भाई पहली बार तो जीवन में रिंग लाइट यूज़ कर रहा था, ये भी बीच में बंद हो गई, चलो कोई नहीं। हम कहाँ थे, हाँ कैम्फर पे, ये रहा कैम्फर, कपूर भाई, जिसको कपूर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था, जब आप इसको स्मेल करते हो ना, तो मतलब इट ओपन्स अप योर नोज़ एंड इट अलाउज मोर ऑक्सीजन टू फ्लो। तो भाई ये देसी तरीका है, ग्रामीण तरीका है, ये भी ले जा लें आप वहाँ पर, ठीक है। तो मेडिकेशन के बाद आती है बात, मतलब वहाँ पर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ठंडा है, तो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाते रहना, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है खाने की। तो उसके लिए मैं ले जा रहा हूँ कुछ चॉकलेट्स हैं एंड ड्राई फ्रूट, देखो मैंने ड्राई फ्रूट का ऐसा कुछ बना लिया पूरा सब कुछ पैक, ठीक है। चॉकलेट्स वगैरह हो गई अपनी, बढ़िया से चॉकलेट्स वगैरह हो गई। और भाई ये इमली गोली भी बहुत ज़रूरी है, मेरे को पसंद है, तो आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है। तो ये कुछ हो गया फूड आइटम्स, एंड वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खाते रहना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, ये बॉटल ले जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि भाई वहाँ पे गर्म पानी भी पीना होता है, क्योंकि ठंडा इतना होता है, तो गर्म पानी इसमें गर्म रहता है।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि भाई वहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल ना यूज़ करें, वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है एंड वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है, और एज अ इंसान आपको होना चाहिए कि भाई हम पोल्यूशन ना फैलाएं। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये बॉटल आप ज़रूर लेकर जाएं, मतलब अपनी कोई सी भी बॉटल हो वो आप कैरी करें, ठीक है। तो ये होगी फूड आइटम्स की बात, ठीक है। इसके बाद फुटवेयर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फुटवेयर में मैं कैरी कर रहा हूँ बस एक अपना स्नीकर्स हो गए, क्योंकि ये हर किसी के साथ चल जाते हैं, बढ़िया से कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। एंड दूसरा हो गया अपना बूट्स, जो कि अपना राइडिंग में भी काम आएंगे, एंड दूसरा अपना स्नो वगैरह होगी तो वहाँ पे भी काम आ जाएंगे, एंड अ पेयर ऑफ स्लीपर्स जो कि कैंप वैम्प में हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये है फुटवेयर का। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कुछ बेसिक चीज़ों की जो जो वहाँ पर रिक्वायर्ड है। जैसे कि सबसे पहले तो ये अपना प्रीपेड सिम वहाँ पे चलता नहीं, हाँ वहाँ पे सिर्फ पोस्टपेड ही चलता है ना, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ पोस्टपेड सिम चलता है। तो मैंने पर्सनली लिया है जियो का, तो वहाँ पर जियो, एयरटेल और बीएसएनएल चलता है। तो मेरे साथ वालों के पास एयरटेल भी है, बीएसएनएल भी है, देखते हैं कौन सा वहाँ पर बेटर चलेगा। इसके बाद और जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपना जो आईडी कार्ड होते हैं, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट तो नहीं क्या, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इन सब की ना कुछ कुछ फोटोकॉपीज़ करा लें और अपने पास रख लें, क्योंकि वहाँ पर ना इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है, तो उसमें इनकी फ़ोटोकॉपीज़ और हाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी वो सब लगती हैं इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, इनर लाइन परमिट ना पहले ही बनवा लिया ऑनलाइन, तो आप लोग भी वो कर सकते हैं कि परमिट पहले ही अप्लाई कर दें और पहले ही बनवा लें, ताकि वहाँ पर जाके आपको परेशानी ना हो एंड दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यही सब थी बेसिक चीज़ें जो जो मैं कैरी कर रहा हूँ एंड जो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। बाकी वहाँ जाकर देखते हैं कैसा कुछ रहता है, वो सब आप देख लेना, ठीक है। टाइम टू टाइम व्लॉग्स आते रहेंगे, एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू टू प्लान योर ट्रिप टू लद्दाख, एंड ऐसे ही पैक करना आप लोग भी, ठीक है, और बढ़िया से पैक करना, सही से रहना, मैं भी सही से रहूँ होपफुली। एंड विद दिस सेट एंड माई ब्लॉग है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने उन दोस्तों से शेयर कर देना जो जाना जा रहे हैं लद्दाख, जो भी रिसेंटली लद्दाख जाने वाले हैं उनसे शेयर कर देना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ये दोबारा बंद होगी, साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, ठीक है। तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।